इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कानपुर से। कानपुर कार्डियोलॉजी के डॉक्टर नीरज कुमार ने मरीज को दी नई जिंदगी। मरीज के दिल में बनाई आर्टिफिशियल दीवार। कानपुर कार्डियोलॉजी के डॉक्टर नीरज कुमार ने ऐसा कारनामा करके दिखाया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। डॉक्टरों को भगवान का रूप कहा जाता है। इस कहावत को सिद्ध किया डॉक्टर नीरज कुमार ने। जिस बीमारी का ऑपरेशन करने पर 99% मरीजों की मौत हो जाती है, वैसे ही जटिल ऑपरेशन को करके डॉक्टर नीरज कुमार ने मरीज को नया जीवन प्रदान किया। अब इस तरह की बीमारी के लिए इलाज के लिए मरीजों को दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसी जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कानपुर में ही यह ऑपरेशन संभव है। दिल की जिस बीमारी को डॉक्टर ने लाइलाज बता मरीज का ऑपरेशन करने से मना किया था, उसी 24 वर्षीय युवती के दिल में लक्ष्मीपत सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के सर्जन ने आर्टिफिशियल दीवार बनाकर राहत दे दी है। प्रयागराज निवासी युवती रीना पांडे के दिल में छेद की बीमारी से पीड़ित थी। छेद के साथ दिल में दाएं और बाएं हिस्से को अलग करने वाली दीवार ही नहीं बनी थी, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त काला और ऑक्सीजन युक्त लाल खून आपस में मिलकर रगों में दौड़ रहा था, जिससे मरीज की शरीर में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था। सांस फूलने की शिकायत थी। चलना फिरना मुश्किल हो पा रहा था। कार्डियोलॉजी के सर्जन डॉक्टर नीरज कुमार के मुताबिक जांच में पता चला कि इस जन्मजात गंभीर बीमारी का ऑपरेशन नहीं हुआ था। मरीज को बताया गया कि इस ऑपरेशन में 99% मौत होने की आशंका रहती है। युवती का ऑपरेशन हुआ और दिल के भीतर आर्टिफिशियल दीवार बना दी गई है। डॉक्टर नीरज कुमार का कहना है कि कार्डियोलॉजी में इस उम्र के मरीज का ये जटिल ऑपरेशन है। नीरज मिश्रा प्रयागराज से हैं। जी जी। किस हॉस्पिटल में सर? कानपुर में हमने सर नीरज कुमार सर को दिखाया है कार्डियोलॉजी में, और इसके पहले चेन्नई हम लोगों ने दिखाया था, और ये 8 साल से तब से इसको प्रॉब्लम चल रही थी। चेन्नई में क्या बोला था डॉक्टर? और उस समय तो इन्होंने बोला था कि अभी छोटी है, अभी इसका इलाज नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद जो है जो दोबारा दिखाया गया, तो उन्होंने उसको सीधे जवाब दे दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता है, इसका लास्ट स्टेज चल रहा है। इलाहाबाद में भी दिखाया था और उन्होंने इसका सीधा जवाब दे दिया था। तो हम लोगों को मालूम चला कि हमको कानपुर दिखाना चाहिए, तो हम लोगों ने इंजीनियर के बारे में जानकारी मिली, तो हम लोगों ने यहाँ पर आके दिखाया इनको। और जो एक उम्मीद जगी यहाँ आने के बाद कि एक चांस मिल सकता है, कि जो 99% पूरे चांसेस इनके बचने के नहीं थे, और लास्ट में वो ऑपरेट किया गया और ये बची और ये बिल्कुल अब ठीक ठाक हैं। मेरा नाम रीना पांडे है। रीना पांडे, 24 वर्ष मेरी उम्र है। मैं इलाहाबाद की रहने वाली हूँ। मैंने 8 साल की उम्र में चेन्नई अपोलो में दिखाया था, जिन्होंने मना कर दिया था, बोला था कि अच्छे से रखो, कोई चांसेस नहीं है बचने की। फिर अभी कुछ दिन पहले मैंने हॉटलाइन में, ऑपरेशन के पहले हॉटलाइन इलाहाबाद में दिखाया था, उन्होंने रिपोर्ट देखते ही बोला कोई चांसेस नहीं ऑपरेशन की। फिर मुझे कुछ लोगों ने इस कार्डियोलॉजी का पता दिया, बोला कि वहाँ दिखाओ। यहाँ ही पहले ओपीडी में देखने के बाद नीरज सर कुमार सर ने मना कर दिया कि नहीं होगा। उसके बाद 15 दिन की दवा दी, फिर मैं जब आई वापस एडमिट किया, मुझे बोले, फिर देखी रिपोर्ट, बोले कि फिर भी कोई चांसेस नहीं है, 0% चांस लेके मेरा ऑपरेशन हुआ था जिसमें सक्सेस हुआ। मैं नीरज सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। ही इज़ द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड।